राजकीय स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में टीकाकरण का अलग अलग रूम बनाए गए हैं। ब्लॉक सीएमएचओ देवी सराय मीना ने बताया कि पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाना चालू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद टीकाकरण चालू होगा। कोविड-19 की पूरी पालन के साथ टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रभारी हॉस्पिटल के अमर सिंह मीना ने बताया कि सभी वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसके लिए सभी का पंजीकरण किया जा चुका है। ब्लॉक सीएमएचओ देवी सराय मीना ने बताया कि वैक्सीनेशन का रूम होगा, इस कक्ष में टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन रूम होगा। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक बैठना अनिवार्य होगा ताकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा सके। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर हाथ धोने की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना व सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सर, आज जो आप अपने यहाँ पे 16 जनवरी को जो कोविड-19 का टीकाकरण चालू हो रहा है, ये कहाँ कहाँ आपने व्यवस्था करी है हॉस्पिटल में? एक ही साइट है वैक्सीनेशन के लिए, सीएससी टोड़ा भीम साइट पे वैक्सीनेशन हो रहा है। उसमें करीब 16 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाना है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम, उनकी व्यवस्था कर दी गई है। स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है और पूरी तैयारी में है। प्रधानमंत्री साहब इसका लॉन्चिंग कर रहे हैं, लॉन्चिंग के तुरंत बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो पहला टीकाकरण किसका कहाँ से चालू होगा सर? ये स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ANMs हैं और हरिजन स्वीपर हैं। कितने बजे से चालू करोगे टीकाकरण का? पीएम साहब की लॉन्चिंग के बाद चालू है। आपका नाम सर? डॉक्टर DS मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी टोड़ा मीणा।